हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस प्रैक्टिकल सेशन में हम क्लास, जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था, जिन लोगों को अगर समझ में नहीं आया है तो उसे उनको मैं एक बार फिर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप जैसा कि मेरे सेल विंडो यानी इंटरप्रेटर पर देख सकते हैं कि मैंने सिंपल एक क्लास बनाई, एक वेरिएबल लिया EMP काउंट जिसकी वैल्यू 0 है, मैंने एक इसका कंस्ट्रक्टर बनाया init, जिस पर सेल्फ ऑलरेडी, क्योंकि सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है हमेशा, करंट के लिए नेम और सैलरी दो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास किए। फिर मैंने सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू द नेम एंड सेल्फ डॉट सैलरी इक्वल टू सैलरी, मतलब जब हम वहाँ पर कंस्ट्रक्टर जब चलाएंगे तो कंस्ट्रक्टर में हम नेम एंड सैलरी वैल्यू को यहाँ पर पास कर देंगे, जो वैल्यू वहाँ करंट से आएगी वो वैल्यू को यहाँ पर ले लेगा, ओके। इसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले काउंट, ठीक है, जिस पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये बताया, नेक्स्ट, और एक डिस्प्ले एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक। तो हमने सिंपली क्या किया, एक क्लास ये बनाई, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे दोबारा टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसलिए पहले करके दिखाया कि एट द टाइम ऑफ कई तरह की एरर आती है, उस एरर से बचने के लिए मैंने पहले से इस प्रोग्राम को सेट कर दिया है। सो आपको समझ में पूरा आएगा, इसकी चिंता ना करें। तो यहाँ पर मैंने सिंपल एक क्लास बनाया। अब बात आती है कि हम किसी भी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं। तो सिंपली क्या होता है कि हमने एक वेरिएबल लिया यहाँ पर EMP1, जिस पर मैंने क्लास का नेम, एक्चुअली ये जो ब्रेसेस में पास होता है ये कंस्ट्रक्टर ही होता है। देखा जाए तो अदर लैंग्वेज में जब हम, चूँकि कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएशंस होता है वैसे उसका कंस्ट्रक्टर रन होता है। सो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर चलने की वजह से हमने जो वैल्यू यहाँ पर दी थी नेम एंड द सैलरी, सो नेम एंड सैलरी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। तो हमने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सिमिलरली EMP2 दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक, जिस पे हमने कोई वैल्यू मतलब और उसकी सैलरी पोस्ट की। अब बात आती है कि तो हमने यहाँ पर जो भी है ऑब्जेक्ट, अब चाहे तो इससे रिलेटेड आप फंक्शंस कॉल कर सकते हैं, जो भी हमने लास्ट टाइम बताया था। आप जैसे आपको डिस्प्ले काउंट कॉल करना है तो आप EMP1 के साथ डॉट और डिस्प्ले काउंट एंड सेल्फ, तो हम चाहे तो यहाँ पर बना के आप दिखा सकते हैं, देन EMP1 एंड डॉट, मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड द काउंट को डिस्प्ले काउंट एंड द वैल्यू 4 एंड दैट्स, ठीक। तो टोटल हमारे पास जो एम्प्लॉय निकल के आया है वो 2 एम्प्लॉय हमने भरा था। अब अगर हम एम्प्लॉय को ही मतलब दिखाना चाहें, ठीक है, तो मैंने यहाँ से जस्ट कॉपी कर लिया यहाँ से एम्प्लॉय को जो मेथड था, और चूंकि यहाँ पर EMP1 के साथ आप चाहे कॉल करें चाहे EMP2 के साथ कॉल करें, अच्छा जैसे क्या है कि हमने यहाँ पर सिंगल पहला ऑब्जेक्ट लिया, आप चाहें तो इसका दूसरा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, सो वैल्यू हमेशा सेम ही देगा, क्योंकि ठीक है ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बैच आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की कोई गिनती नहीं है, आप कितने भी ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास के लिए क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड कॉल होगा सो वैल्यू हमेशा उन दोनों के लिए सेम रहेगी। तो अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर EMP1 के साथ दूसरा मेथड यानी डिस्प्ले डिटेल्स वाला कॉल किया, ठीक है, देन यहाँ पर मैंने एंड द मेथड कॉल कर दिया, अच्छा ओके, देन चूँकि यहाँ वैल्यू कहीं वो नहीं की गई है, सो एक मिनट, EMP2 यहाँ पर हम EMP2 कॉल कर सकते हैं, ठीक। तो चूँकि पहले वाला ऑलरेडी डिलीट कर दिया है मैंने, चूँकि यहाँ पे लास्ट में मैंने कुछ चीज़ें चलाई हुई हैं, इस वजह से फर्स्ट वाले में डिस्टर्बेंस है, सो दूसरा वाला हमारा चल गया, ठीक है। तो हमने जो मतलब EMP2 में जो वैल्यूज भेजी थी वो एज अ करेक्ट, ठीक। देन अब हमने यहाँ पर कुछ क्लास, जो बिल्ट इन क्लास एट्रीब्यूट्स हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमारे पास कुल 5 तरीके के बिल्ट इन क्लास